शिक्षा चाहिए या राम मंदिर चाहिए? शिक्षा चाहिए। राम मंदिर से किसी को क्या मिला? क्या मिला? क्या राम मंदिर बन गया, मंदिर में लोग जाएंगे, है ना, दान चढ़ाएंगे, वापस आएंगे, श्रद्धा है। शिक्षा से क्या होगा? देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे। आप देख लें यहाँ पे कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, G20 से पहले कितनी झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने उठवा दिया सिर्फ G20 के लिए। वो लोग जितने गरीब थे उन सभी को उठवा दिया, उनका क्या रहा? सिर्फ 4100 करोड़ लगा दिए और G20 सबमिट कर दिया, और क्या कुछ भी नहीं हुआ, एक भी डिसीजन नहीं लिया गया। परेशान हुआ, हाँ, गरीब आदमी परेशान हुआ, बच्चे परेशान हुए, बिल्कुल बहुत। अब दिल्ली में गवर्नमेंट है केजरीवाल की, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ के स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्टेट में, हम पंजाब से हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल की, मैंने एक साल लगाया गवर्नमेंट स्कूल में, पहले मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती है। बच्चे बंक मारते हैं, उनको टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाते नहीं है, है ना, उनको उनकी उनके खुद कितने काम होते हैं, गवर्नमेंट को काम में लगाई रखते हैं। कभी कहते हैं इलेक्शन करवाने, इलेक्शन का काम करो, कभी कभी कोई काम आ जाता है इलेक्शन को, टीचर फोन लेके क्लास में घूमते हैं, है ना, क्योंकि फोन में सारा काम करना होता है, गवर्नमेंट को काम में लाई रहती है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, है ना, बच्चे क्या करते हैं, है ना, वो ये सीखते हैं हमें वोट डालनी है, हमने उनको वोट डालनी है, बस उनको यही सिखाया। अच्छा, कह रहा है कि राम मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्यों? बच्चा कह रहा है, आपने बहुत जोर देर के बोला, अभी मैच्योर होने दो, पता लगेगा राम मंदिर क्या होता है और शिक्षा क्या होता है। राम मंदिर फायदा नहीं नजर आ रहा उसको। अच्छा मैडम, राम मंदिर के चक्कर में कांग्रेस ने कितना कुछ किया है, कितने दंगे हुए। शिक्षा चाहिए, राम मंदिर छोड़ो, शिक्षा चाहिए। कुछ हो जाएगा, है ना, कितने मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं यहाँ पे, है ना, तो राम मंदिर से नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे राम की मूर्ति है, वहाँ मथा टेक लो आप, यहाँ पे राम की मूर्ति है, वहाँ मथा टेको आप, उसमें क्या फर्क पड़ेगा आपको? ऐसा नहीं है, अरे तो मंदिर नहीं था, क्यों दंगा हो गया? मैं राम भक्त हूँ। आपका जन्म स्थान है, मैं राम, आपका जन्म स्थान है कि नहीं, उसकी कीमत है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर रहे हो? नहीं है जवाब, पढ़ाई कर रहे हो, लग रहा है कि जॉब मिल जाएगी। क्या पढ़ाई कर रहे हो, लग रहा है जॉब मिल जाएगी? जिस हिसाब से पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से सरकार का चल रहा है, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जॉब तो बहुत दूर की बात है, आप देख लो, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके ना, बड़ी बड़ी डिग्री लेके, है ना, लोग कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं, है ना, इतना मतलब पढ़ लेते हैं, फिर भी वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जॉब किसको मिलेगी मैम? जॉब किसी को नहीं मिलेगी। सरकार का यही एक मुद्दा, बस एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, जब कोई मेन मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुसलमान कर देते हैं, दंगे करवा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बस सिर्फ दंगे उनका सबसे मेन। जब क्या वजह लग रही है कि शिक्षा पे कभी बात ही नहीं की जाती, सिर्फ टैक्स लगाया, टैक्स लगाया जाता है मैम, सरकार को है नहीं, उनको क्या है कि शिक्षा है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, है ना, वो कोई नहीं पढ़ नहीं रहा है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो अनपढ़ बनेगा, है ना, अनपढ़ बनेगा तो उनको, आपको पता है नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे बनेंगे, हमने देश को क्या करना है, उनको नहीं पढ़ाना, है ना, उनको गरीब बनाना है। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग से पहले आपको पता क्या होता है, वोटिंग से पहले क्या होता है, लोगों को पैसे देते हैं, उन्हीं को पैसे देते हैं, कभी दारू दे देते हैं, कभी कुछ खिला देते हैं, आपको पता है, वो सभी कुछ देते हैं। जनता क्यों नहीं समझती है कि हमें पैसे देकर खरीदा जा रहा है, क्यों नहीं समझती जनता? क्यों, वो पढ़े नहीं है, अगर पढ़े होंगे तभी तो समझ आएगा, जो अनपढ़ है उसको समझ क्या आएगा? अगर वो पढ़ा होगा तभी तो उसको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और उसका बेस ही नहीं माना तो कैसे पता चलेगा? तो बस अगर ना जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, एजुकेशनल पर्सन उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसने 10 किताबें पढ़ ली वो एजुकेटेड बन गया। एजुकेटेड का मतलब ये होता है कि उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, तभी वो एजुकेटेड बनता है, अदरवाइज वो एजुकेटेड नहीं बनता है। आप चाहे मैं 10th में हूँ अभी, अब मैंने 10th कर ली, अगर मुझे ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है तो मैं एजुकेटेड नहीं कहलाऊंगा। तो वो एजुकेटेड ही नहीं बन रहे हैं, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? उनको उन्होंने दे दिया, है ना, उन्होंने ले लिया। क्या वजह लग रही है कि मोदी जी और अमित शाह के कह रहे कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? उनके पास क्या है, सबसे मेन मुद्दा हिंदू 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 हिंदू, हर बात पे हिंदू हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू ऐसे करेंगे, हिंदू ऐसे करेंगे, हिंदू ऐसे, क्या है, क्या है, क्या है? आप हर बात
हिंदू को ले आते हो, शिक्षा वो हर एक हर हर इंसान का है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इट इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब क्या है, सभी धर्म एक बराबर हैं, तो आप हिंदू वर्ड का यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जो नेताओं के बच्चे वो हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो स्टडी कर रहे हैं, उनको पता है ना, उनके पेरेंट्स को करने दो, वो बढ़ेंगे, वो आगे और बढ़ेंगे। आपको पता है जितने भी देश में अंबानी अडानी इनको लोन दिलवा के सरकार उनकी हेल्प कर सकती है, वो सरकार की हेल्प नहीं कर सकते। आपने अभी 4 महीने अभी मूवी आई थी जवान, आपने देखी है? आप उस पर हर करंट अफेयर को देख सकते हो कि एक किसान है ना, उसने ट्रैक्टर लेना 40,000 का, मैं खुद देख के आया कल परसों, तो उस पर 13% टैक्स लगता है। अगर वो किसी मतलब बड़े आदमी मर्सिडीज लेनी हो तो उसमें 8% टैक्स लगता है। तो क्या अन्याय किसके साथ हो रहा है? जनता के साथ। 10% लगता था। हाँ। अब कम कर दिया। अच्छा आप कंपेयर तो करो ना, किसके साथ आप कंपेयर भी तो किसके साथ कर रहे हो? करोड़पति के साथ आप, बिल्कुल जो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो? अच्छा आपकी फिल्म की यहाँ पर बात की, एक सवाल मेरे मन में आया, वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल वोट डाली जाती है तो फायदा भी सरकार से इंडिविजुअल लेना चाहिए, मानते हो बात को? मीन्स मैं आपकी बात सुन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने वोट डाला है ठीक है, और तो अब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार से चाहेंगे कि वो मेरे पर्सनल मेरे लिए भी काम करे? मैम हर एक तो पर्सनल अलग हो गया, एक होता है कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है ना उसका एक मेन पॉइंट होता है कि शिक्षा चाहिए हमें, अच्छी रोड्स चाहिए हमें, सैनिटाइजेशन चाहिए, कुछ ना कुछ एक मेन मुद्दे होते हैं, एक होते हैं मेन, एक होते हैं पर्सनल। पर्सनल हो गया अलग कि मेरे मोहल्ले में ये नहीं है, मेरे मोहल्ले में ये नहीं है। एक होते हैं कम्युनिटी कि एक सिटी के, एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट के और एक कंट्री के एक मुद्दा है, आप उस मुद्दे को लेकर चलो, पहले आप बड़े मुद्दे पे जाओ फिर धीरे धीरे। क्या लगता है जो बार बार कहते हैं कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत देश का यहाँ पर डंका बज रहा है, क्या समझते हैं डंके? मैम डंका आप करते हो, डंका डंके से क्या होगा? उनको ये पता चलेगा इंडिया ऐसे, मेरे ना फादर हैं, उनके एक फ्रेंड थे, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, उनके फ्रेंड हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया, कहते हैं कि वहाँ पे ना हर हफ्ते एक ऐड चलती है, उस ऐड में दिखाया जाता है कि इंडिया में इतने इतने गरीब लोग हैं है ना, बच्चों को उस आते हैं कि आप हमें डोनेशन दें ताकि हम उनको भेज सकें ताकि वो अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें। सरकार जो कह रही है कि रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार नहीं भी है तो आत्मनिर्भर बनिए, क्या दिक्कत है? आत्मनिर्भर मीन्स एक बिजनेसमैन। हमारे कंट्री में ना एक जैसे हमारे सिविक्स के चैप्टर्स होते हैं, तो हमें एक बात बताई गई है, कहते इंडिया में ना लोगों का जो मानसिकता है, मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कहते हैं पढ़ो लिखो, उनके लिए पढ़ना लिखना एक जॉब करो। अमेरिका में क्या है या फिर बड़ी फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप बिजनेस ट्राई करो या कुछ भी ट्राई करो न्यू, उनमें से 10 में से 9 बच्चे अगर मतलब 10 में से 9 बच्चे फेल होते हैं, सिर्फ एक ही होता है जो प्रोग्रेस कर पाता है, लेकिन फिर भी उन 9 को जो है ना वो सपोर्ट किया जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ जॉब, हम सिर्फ जॉब के बारे में ही सोचते हैं, हम बिजनेस के बारे में या कुछ नया करने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये कारण माना जाता है? ये बिल्कुल सही है, फॉरेन कंट्रीज में ये है कि इंडियन मतलब गरीब लोग है ना, तो मतलब हाँ किसी भी कंट्री में जैसे अमेरिका कनाडा कहीं भी चले जाओ है ना, इंडिया को दिखा कैसे दिखाया जाता है कि गरीब लोग हैं यहाँ पे, ये लोग फॉरेनर्स यहाँ आते हैं ना तो लोग यहाँ पे फोटो किसकी लेके जाते हैं यहाँ पे, झुग्गी झोपड़ियों वालों की, कि वहाँ के वहाँ पे दिखा सकें जाके कि वहाँ पे हम लोग गरीब लोगों को देख के आए हैं।